अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम है नोमान। आज हम गूगल क्रोमकास्ट को देखेंगे कि गूगल क्रोमकास्ट क्या होती है, ये किस तरह काम करती है और हम इसको अपने घर के वाईफाई के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। गूगल क्रोमकास्ट एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपकी मोबाइल की या लैपटॉप की कोई भी वीडियो शेयर करके आपको LCD या TV पे दिखा देती है। क्रोमकास्ट की तो बहुत सारी डिवाइसेस मार्केट में मिलती है, लेकिन ये गूगल की ओरिजिनल क्रोमकास्ट डिवाइस है। इसके अंदर फंक्शन ये होता है कि ये कोई भी वीडियो आपके मोबाइल या लैपटॉप से जो शेयर करता है, वो वीडियो आपके मोबाइल के ज़रिए शेयर नहीं हो रही होती, बल्कि आपके मोबाइल से सिर्फ वो मैसेज लेता है, उसके बाद वो वीडियो आपको नेट से दिखा रहा होता है, जिसकी वजह से आप HD वीडियो वगैरह आप अपनी TV स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें YouTube, Netflix, Spotify, Chrome, Google मूवी, Google फोटो, Facebook और Amazon की प्राइम वीडियो वगैरह शामिल है। ये सारा डाटा ऐसा है जो कि हम अपने मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए प्ले करते हैं, लेकिन जब हम उसको कास्ट करते हैं अपने गूगल क्रोम पे, तो वो डाटा हमारे नेट से उठा रहा होता है। नेट से कैसे उठाता है, इस डिवाइस को हम घर के नेट से कॉन्फ़िगर करते हैं, वो किस तरह करते हैं, ये सारा तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आप देख लें, जब मार्केट से ली जाती है इस तरह की ये पैकिंग में आती है, जिसके ऊपर लिखा रहा है गूगल क्रोम कास्ट और उसके नीचे भी ये सारी चीज़ें लिखी आ रही हैं। तो आप देख लें, इस तरह की गत्ते की पैकिंग में होती है, जिसमें HDMI 1080p ये सारी चीज़ें इसमें लिखी आ रही हैं। आप देख लें, गूगल क्रोम कास्ट इस तरह की छोटी सी डिवाइस होती है, जिसके एक तरफ HDMI होती है जो कि आपके किसी भी LCD TV वगैरह में लग जाती है। उसके बाद इसको ऑन करने के लिए एक USB की ज़रूरत होती है, जहाँ से हम इसे 5 वोल्ट और 1 एम्पीयर देते हैं। बाकी इसकी ओरिजिनल की पहचान ये है कि आप देखें, अगर मैं इसको गौर करता हूँ तो इसके दरमियान में एक G लिखा आ रहा है। G से मुराद यानी कि गूगल। उसके बाद अगर मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखाने की कोशिश करूं, तो इसका मॉडल नंबर है NC2-6A5। उसके बाद इस डिवाइस को ऑन करने के लिए इसके साथ इस तरह की केबल आती है, उसके बाद इसके साथ एक चार्जर आता है। ये चार्जर एग्जैक्ट हमें 5 वोल्ट और 1 एम्पीयर देता है। तो जब हम इस अडॉप्टर को ऑन करते हैं, तो इसके ऊपर आप देखिए एक लाइट ऑन हो गई हुई है। तो ये लाइट ऑन हो गई है, इसका मतलब यह है कि ये डिवाइस हमारी ऑन हो रही है। उसके बाद जब हम इस डिवाइस को अपने LCD के HDMI में लगा देते हैं, तो आप देखिए इस तरह ये लोड होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी आप देख लें कि TV पे G लिखा गया है, G से मुराद है गूगल। उसके बाद कोई 10-15 सेकंड के बाद ये डिवाइस हमारी मुकम्मल ऑन हो जाती है। तो उसके बाद इस तरह का डिस्प्ले आ जाता है, जिसमें ये लिखा आ रहा है गेट द ऐप, यानी कि एक गूगल होम की ऐप होती है। वो ऐप हम अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके इस डिवाइस को हम अपने घर के वाईफाई के नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे। तो वो किस तरह करेंगे, अभी आप स्क्रीन की राइट साइड पे देखें कि मोबाइल स्क्रीन आ रही है। मैंने ऑलरेडी गूगल होम की ऐप इंस्टॉल की हुई है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद ऊपर जो प्लस का निशान आ रहा है वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर मैं सेटअप और डिवाइस करता हूँ, उस पर मैं न्यू डिवाइस पर अटैच करता हूँ। उसके बाद जो भी आपने होम का नाम रखा हो उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। उसके बाद ये ऐप हमारी डिवाइस को फाइंड कर रही है, और ये डिवाइस ऑन करने के लिए आपके मोबाइल की ब्लूटूथ का होना ज़रूरी है। तो भी आप देख लें कि क्रोम कास्ट फाउंड हो गई है, जिसका नीचे नंबर लिखा आ रहा है, इसको हम नीचे से यस कर देंगे। जब हम यस करते हैं, उसके बाद ये मैसेज आ रहा है कि क्रोम कास्ट का जो वाईफाई का नाम आ रहा है, टेम्परेरी तौर पर हमारा मोबाइल उसके साथ कनेक्ट होगा। तो हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, ये ऐप खुद ही कनेक्ट कर देगी, हमें वाईफाई की सेटिंग से जाके कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कनेक्ट हो गया हुआ है। उसके बाद जो ये नंबर आ रहा है, तो अभी आप देख लें कि हमारी LCD की स्क्रीन पे भी यही नंबर आ रहा है, तो हम इसे यस कर देंगे। यस करने के बाद हम इसमें रूम में कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका फैमिली रूम ही रख देता हूँ। उसके बाद ये वाईफाई के नाम आ रहे हैं, जो भी गूगल क्रोम कास्ट की डिवाइस पर वाईफाई शो हो रहे हैं। तो जो पहले वाला है D-Link TIR 853 Black, इसी पर हमारा मोबाइल कनेक्ट है, इसी को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अभी हमारी गूगल क्रोमकास्ट की डिवाइस हमारे घर के वाईफाई से कनेक्ट हो रही है। तो अभी आप देखिए कनेक्ट हो गई है। उसके बाद आ रहा है लिंकिंग योर क्रोमकास्ट, तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये लिखा रहा है बिफोर यूजिंग योर गूगल असिस्टेंट, तो ये हम स्क्रीन को स्क्रॉल करके नीचे से नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद इसमें नेटफ्लिक्स आ रहा है, नेटफ्लिक्स फ़िलहाल मेरे मोबाइल में नहीं है, तो इसलिए मैं इसका अकाउंट एक्टिव नहीं कर रहा, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद देख लें कि हमारी ये डिवाइस कनेक्ट हो गई हुई है, डिवाइस फैमिली रूम, TV और वाईफाई का नाम आ गया है, और हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तभी आप देखें कि फैमिली रूम TV इज़ रेडी।
उसके बाद Netflix, YouTube और Google Play का अगर ट्यूटोरियल आप देखना चाह रहे हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है तो वो कर लें, नहीं तो मैं स्किप कर देता हूँ। अब क्या हुआ है कि ये डिवाइस हमारे घर के वाईफाई से कनेक्ट होगी हुई है, अब हमें इस ऐप की ज़रूरत नहीं है। तो भी आप देख लें कि अगर इसमें ओपन करता हूँ तो ये वही तस्वीर हमारी LCD पे आ रही है जो कि इस ऐप के अंदर आ रही है। उसके बाद इसके ऊपर सेटिंग में जाते हैं, तो सेटिंग में ये सारी चीज़ें आ रही है। पहले डिवाइस इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमारे वाईफाई का नाम और जो डिवाइस का नाम रखा हुआ है वो सब कुछ इसके अंदर आ रहा है। उसके अंदर वीडियो में जाते हैं तो वीडियो के अंदर भी HDMI के मूड वगैरह आ रहे हैं। उसके बाद ऑडियो के अंदर जाते हैं तो सराउंड साउंड मूड ऑटो डिटेक्ट है, इसके अंदर भी ये सारी ऑप्शन आ रही हैं। तो ये सारी ऑप्शन से हम इसकी कोई सेटिंग वगैरह तब्दील कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारी डिवाइस मुकम्मल तौर पे घर के वाईफाई से कनेक्ट हो चुकी हुई है। अभी क्या है कि हम कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, एक तो गूगल असिस्टेंट के साथ वीडियो प्ले हो जाती है, गूगल असिस्टेंट के स्पीकर होते हैं, इन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो अभी क्या है, मैं YouTube पे आता हूँ तो अब देखिए मैंने मोबाइल के अंदर YouTube खोली हुई है, मैं कोई भी वीडियो प्ले करता हूँ YouTube पे। उसके बाद आप YouTube की स्क्रीन के ऊपर देखें एक स्केयर सा बना आ रहा है, जब उस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसमें हमारे TV का नाम आ रहा है जो हमने रखा हुआ है फैमिली रूम TV। जब मैं फैमिली रूम TV पे क्लिक करता हूँ तो क्या करता है कि मोबाइल से हमारी वीडियो ऑफ हो जाती है, ऑफ नहीं होती, यहाँ पे बार चलती रहती है और वो वीडियो हमारी LCD स्क्रीन पे शो हो रही होती है। तो अभी आप देख लें कि मोबाइल पे हमारी वो नहीं आ रही लेकिन TV पे हमारी ये वीडियो चल रही है। इसी तरह हम कोई भी वीडियो को इजीली कास्ट अपनी TV पे कर सकते हैं। तो जैसे ही कास्टिंग TV पे ऑन होती है तो अभी आप देखें TV स्क्रीन पे हम मेरे मोबाइल का नाम जो है वो लिखा आ रहा है कि इस मोबाइल के साथ इस टाइम ये कास्टिंग ऑन है। ये तो मैं अभी अपने मोबाइल से कर रहा हूँ लेकिन आप किसी भी मोबाइल से ये कास्टिंग को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद ये डिवाइस ऑन रहती है, चाहे मेरा मोबाइल वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो या घर में ना भी मौजूद हो लेकिन डिवाइस ऑन रहेगी और कोई भी वीडियो को इजीली इस पे कास्ट कर सकता है। उसके बाद आइए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको मोबाइल स्क्रीन ही अपने TV पे शो करनी है उसका तरीकाकार क्या है, वो आप देख लें कि आप ऐप खोलेंगे, ऐप के बाद जो इसका नाम आ रहा है फैमिली रूम TV उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इसके नीचे देखिए लिखा आ रहा है कास्ट माई स्क्रीन। जब मैं कास्ट माई स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ उसके बाद क्या होता है कि मेरा मोबाइल की पूरी स्क्रीन हमारी LCD TV पे शो हो जाती है। तो अभी आप देख लें कि मोबाइल पे मैं जो जो भी प्ले कर रहा हूँ, जो मेरे मोबाइल पे स्क्रीन पे आ रहा है वही हमारे TV पे आ रहा है। तो अगर मोबाइल के अंदर भी कोई डाटा या वीडियो मौजूद है तो हम कुछ भी LCD पे देख सकते हैं। लेकिन ये तरीका इतना स्मूथ नहीं चलता, लेकिन अगर हम एज अ कास्टिंग यूज़ करें तो वो वीडियो बेसिकली नेट से चल रही होती है तो बिल्कुल हमारी ठीक चलती है। उसके बाद आइए मैं लैपटॉप से बता देता हूँ, लैपटॉप के अंदर जो गूगल क्रोम होता है उससे भी इजीली शेयर कर सकते हैं। अभी आप देखें ये लैपटॉप की स्क्रीन है, गूगल क्रोम के जहाँ से कैंसिल करते हैं उसके नीचे 3 डॉट आ रहे हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कास्ट की ऑप्शन आ रही होती है। तो कास्ट पे देखें यहाँ पे फैमिली रूम TV आ रहा है और फैमिली रूम स्पीकर आ रहा है। जो ये फैमिली रूम स्पीकर आ रहा है ये मेरे गूगल असिस्टेंट का स्पीकर है और जो मेरी गूगल क्रोम कास्ट डिवाइस है ये मेरा फैमिली रूम TV है। उसके बाद नीचे सोर्स का टैब आ रहा होता है कि अगर मैंने कास्ट टैप करना है तो वैसे ही होगा कि वीडियो को मैं अपने गूगल क्रोम में प्ले करूंगा, वो वीडियो TV में प्ले हो जाएगी और गूगल क्रोम कास्ट क्या करेगी कि उस वीडियो को डायरेक्ट नेट से चलाएगी। लेकिन अगर मैं दूसरा टैप कर दूं यानी कास्ट स्क्रीन कर दूं, उससे क्या होगा कि मेरे लैपटॉप की पूरी स्क्रीन जो है वो TV पे शो हो रही होगी। तो आए जी मैं अब ये फैमिली रूम TV को एक्टिव कर देता हूँ यानी सोर्स पे रख के, अब मैं अपने चैनल की वीडियो प्ले करता हूँ। उसके बाद इस पर एक मैसेज आ रहा है यू आर साइन आउट, तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। उसके बाद आप LCD स्क्रीन पे देख लें हमारी वो वीडियो चल रही है। इस गूगल क्रोम कास्ट को जब आप अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं उसके बाद आप गूगल असिस्टेंट के स्पीकर से भी इसको कंट्रोल करवा सकते हैं, यानी कोई भी ऐसी वीडियो हो जो कि आप यूट्यूब पे देखना चाहते हैं आप थ्रू आवाज़ के जरिए गूगल असिस्टेंट स्पीकर से कह दें तो वो वीडियो हमारी TV में प्ले हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया ओरिजिनल गूगल क्रोम कास्ट, और भी बहुत सारी क्रोम कास्ट मार्केट में आती है, एक इस तरह की भी खाली क्रोम कास्ट की डिवाइस भी मार्केट से मिलती है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। तो इस तरह गूगल क्रोम कास्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद आप इस हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें, आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।